मैक्सिमो का ही एक अपडेट वर्जन है और इसका इस्तेमाल पैसेंजर और कार्गो दोनों के लिए किया जा सकता है। यह भारत का पहला ऐसा इलेक्ट्रिक कार्गो भी है जो फिलहाल सड़कों पर अपनी सेवा दे रहा है। चार्ज होने पर 115 किमी का माइलेज देता है। फिलहाल इसकी प्राइस 8.5 लाख है। साल 2005 में लॉन्च होने वाला टाटा एस घरेलू निर्माता टाटा मोटर्स के लिए एक लोकप्रिय ब्रांड रहा है और कंपनी ने इस मिनी ट्रक के एक इलेक्ट्रिक एडिशन को कुछ साल पहले ही डेवलप किया है। हालांकि इस ट्रक की लॉन्चिंग भारत में साल 2016 से ही पेंडिंग में है, लेकिन उम्मीद है ये 5 टन की पेलोड क्षमता के साथ लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल इलेक्ट्रिक एस को अभी तक कोई लॉन्चिंग डेट नहीं मिल पाई है, पर संभव है ये मिनी ट्रक 5 लाख रुपए की प्राइस में लॉन्च होगा। हाल ही में अशोक लीलैंड ने अपनी इलेक्ट्रिक बस वर्षा को लॉन्च किया है और अब यह निर्माता अपने लोकप्रिय LCV दोस्त के इलेक्ट्रिक वर्जन को भारत में लॉन्च करने का रास्ता तलाश रहा है। हालांकि इस व्हीकल्स की लॉन्चिंग भी भारत में साल 2013 से ही पेंडिंग में है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह 5 टन के लिए होगा। फिलहाल इसकी प्राइस 4 से 5 लाख के बीच हो सकती है। अशोक लीलैंड अपने बॉस मॉडल के इलेक्ट्रिक एडिशन को भी डेवलप कर रहा है जो एक बार चार्ज होने पर 125 किमी का माइलेज देगा। तो दोस्तों ये थे भारत में 5 ई-ट्रक जिसमें केवल एक ही ऑन रोड है, जबकि 4 अन्य को अभी लॉन्च किया जाना बाकी है। हम जाते जाते एक बात और स्पष्ट करते चलें कि भारत में ई ट्रकों का डेवलपमेंट अभी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन साल 2020 भारत में ई ट्रकों का भविष्य तय करने वाला होगा। इसके अलावा डेलमर, स्कैनिया, वोल्वो और भारत बेंज जैसी कई बड़ी ऑटोमोटिव कंपनियां भारत में ई ट्रक के लिए लगातार अपनी रणनीतियां तैयार कर रही हैं। ऐसे में यह मानकर चला जा सकता है कि आने वाला वक्त इलेक्ट्रिक ट्रकों का होगा। धन्यवाद।